गाइस टू माय चैनल, कैसे आप लोग। बरिश ड्राइवर में आपका स्वागत है। सो फाइनली हमारा दिन आ चुका है, लद्दाख जा रहे हैं, आप लोग को घुमाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाहर आ जाओ, आ जाओ। ठीक है भैया, जाओ निकलो। गाइस दो भाई लोग हम आए, थोड़ा इनकी फ्लाइट जल्दी है तो पहले निकल रहे हैं, हम बाद में आएंगे। ठीक है भैया, दिल्ली में मिलते हैं। अभी जा रहे हैं बस एयरपोर्ट, इंदौर एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट में हमको मिलो 10 बजे, और खाने का बताना जैसा हो। सो गाइस वी आर इन इंदौर एयरपोर्ट विथ दिवेंद्र भैया। हमारी फ्लाइट 8 बजे, हमें 2 घंटे पहले बोर्डिंग पास के लिए आना पड़ा। बोर्डिंग पास मिलेगा ना हमारे बोर्डिंग पास में, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है। आप आइए अपने बोर्डिंग पास, खुद पीएनआर नंबर डाल के आप खुद बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी सुविधा भैया, देख सकते हैं आप यहाँ का एयरपोर्ट यार, बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है, नीट एंड क्लीन। ये देवी अहिल्या जी, बहुत ही अच्छी सुविधाएं है यहाँ पे, सर्विस है वाई वीवो की तरफ से। ये दिवेंद्र भैया पानी पी रहे हैं यहाँ पे, कुछ खाने को नहीं ले रहे, पानी भर पिए। लो नुकसान कर दिए ना यार भैया यार। सो गाइस हमारी फ्लाइट गेट नंबर 10 से मिलेगी। गेट नंबर 10 में हम जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं इंदौर एयरपोर्ट के अंदर। देख सकते हैं आप, काफ़ी ही शांति है यहाँ पे। हमें तो लगा था हमारे रेलवे स्टेशन जैसे हल्ला शोर होगा। ऐसा अब हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी चेक, बैग वगैरह लेके जाएगा कि गोला वगैरह बारूद वगैरह तो नहीं रखे यार। तो गाइस हम लोग 1 घंटे बाद चेकिंग करने के बाद अभी फ्री हुए हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं ले जाने देते, तेल लोशन क्रीम वगैरह सब अपने लगेज बैग में रख के लाए, डीओ वगैरह। अब हमारी बस इंडिगो भी आ चुकी है, इसमें बैठ के हम फ्लाइट के लिए निकलेंगे। तो गाइस हम बस में बैठ चुके हैं, अब हमारी फ्लाइट आ रही है। ये हमारी फ्लाइट, हम अपनी फ्लाइट तक जाएंगे। गाइस ये हमारी फ्लाइट, ये बैठे पायलट भैया और ये है दिवेंद्र भैया। हम आ चुके हैं, अब जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली से अपने लेह के लिए अलग फ्लाइट है। ये दिवेंद्र भैया जा रहे हैं, अपनी फ्लाइट आ चुकी है, समय पर अपन आ गए पहली बार। भाई ये है कुछ 3 एयरपोर्ट के, ये हमारी फ्लाइट जो कि दिल्ली जा रही है, और यहाँ पे काफ़ी सारी फ्लाइट खड़ी हुई है। गाइस हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं, विस्तारा की तरफ से हमको ये खाने के लिए दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत ही अच्छी सर्विस है विस्तारा की, सब लोग खाने के लिए तैयार हैं। चलो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। अब हमारी फ़्लाइट है, कितने बजे की है भाई अपनी फ़्लाइट? 10:50 की। 2 घंटे पहले हम लोग वहाँ पे चेक इन करेंगे। यहाँ हमारी लोकेशन से एयरपोर्ट लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है। फाइनली वी रीच्ड एट एयरपोर्ट, थोड़ा डिले हो गए हम लोग। रिच लाइफ बाहर आओ, ये लो बैग पकड़ो। लाइफ चलो चलो चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चेक इन करो। पूरा एयरपोर्ट तो खाली पड़ा हुआ है, अभी हम चेक इन कर रहे हैं। चेक इन की प्रोसेस, वो हमारे ग्रुप के और भी मेंबर्स खड़े हुए हैं, हम लोग 18 लोग जा रहे हैं ट्रिप पे। चलें
चलो। बड़ी मुश्किल में गाइस हम लोग का चेक इन खत्म हुआ, किसी तरह बैग का है। एक बैग हम लोग का 18 किलो का हो गया, उसको हमें चेंज करना पड़ा सामान उसका। ये रहा इंदौर का हमारा एयरपोर्ट, ओके एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन इससे ज़्यादा अच्छा था। गाइस पूछो मत यार, पहला मेरा फ्लाइट का सफ़र था और बहुत डिले हो रही है फ्लाइट, बस हालत ख़राब हो गई है मेरी। 10:40 की फ़्लाइट थी, 11:30 की हो गई है। देखो अब क्या होता है, होप फॉर दी बेस्ट। मिलते हैं अब आपको दिल्ली एयरपोर्ट में। लव यू गाइस, थैंक यू। एक बार और लेट गाइस, हमारी लैंडिंग थी दिल्ली में, जो कि हमारी फ्लाइट लेट हो चुकी है। दिल्ली का वेदर ख़राब है, इस वजह से हमें लखनऊ ले आए हुए हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे फ्लाइट लखनऊ में हमारी लैंड हो गई। जैसे ही वेदर सही होता है हम लखनऊ से दिल्ली आएंगे। और अनुज भाई की भी फ्लाइट लेट हो गई है, उन लोग की भी फ्लाइट जैसे वेदर सही होगा जब आएगी, जब तक हम देते हैं आपको अपडेट। ऐसे ही है कुछ कि हमारा फ्लाइट लेट हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली का वेदर बहुत ख़राब था, इस वजह से हम लोग की फ़्लाइट लखनऊ आ चुकी है और यहाँ पे पिछले 2 घंटे से खड़ी हुई है। देख सकते हैं आप, सब कुछ ही समय बाद जैसे ही वेदर ओके होते हैं हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस हम जा रहे हैं टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2, बाकी लोग का पता नहीं कौन कहाँ पे है। बस हम दोनों 7 घंटे के फ्लाइट में सफ़र के बाद, पर हमें याद भी नहीं फ्लाइट में सफ़र करें कि बस में सफ़र करें हैं। बाकी लोग का स्टेटस पता नहीं चल रहा है, क्या सीन है। सुनने में आया है कि उन लोग की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। अब आगे का देखते हैं भैया, हम तो आ गए यहाँ तक, हम तो जाएंगे घूमने, क्यों बता रहा है। ओ माय गॉड, ये वीडियो दिखाई जाएगी सबको, उनके साथ गलत हुआ है। और बाकी 2 लोग और हमारे मिल गए हैं, क्या कहते हैं, दिल्ली से ही टर्मिनल 3 में एक वेट कर रहा है हम लोगों का, एक टर्मिनल 2 में है जिसकी फ़्लाइट 7 बजे है और हम लोग की फ़्लाइट 5 बजे है। बस वही 5 बजे वाली फ़्लाइट हम लोग पकड़ने जा रहे हैं टर्मिनल 2 से। आगे की अपडेट आपको दिया जाएगा। गाइज हमारी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है, बहुत ही, पहली बार फ़्लाइट में बैठ रहे तो पहली सर्विस इतनी बेकार थी। आगे देखो क्या होता है, 10:50 की फ़्लाइट थी, रात के 12:10 हो रहे हैं, पता नहीं अभी, ये भी नहीं पता कहाँ जाएगी। ये बस पैसेंजर्स को इधर से उधर घुमा रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। देखो क्या होता है, जबकि हमारी सुबह 5:30 की ले की भी फ़्लाइट है। रीज़न दे रहे हैं कि दिल्ली में वेदर ख़राब है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी रश है फ्लाइट। बस इनका यही रीज़न है, वेदर ख़राब हो गया, ये पैसेंजर्स यहाँ भी परेशान हो रहा है, वहाँ भी परेशान हो रहा है, कुछ को नीचे भेज दिया है। बहुत बेकार सर्विस है इंदौर एयरपोर्ट में, देखो क्या होता है। श्रीनगर, ये अभी हमारे एक बंदे का रिव्यू था, दूसरे बंदे की बारी। हमें यहाँ से श्रीनगर भेज रहे हैं, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से श्रीनगर, फिर श्रीनगर से ले से श्रीनगर। जाना कहाँ है आपको? पता नहीं कहाँ जाना है। दीदी आपको कहाँ जाना था जो ये भेज रहे हैं? ये देखो कम एक ये आ रहे हैं, सुबह से फ्री का खा रहा है एयरपोर्ट का, लेकिन जहाँ जाना तो वहाँ नहीं पहुँचे। ये सब निकले थे ले जाने के लिए। एक ये देखो चेहरा, ये देखो चेहरा, देखो कैसा झूठी मुस्कान। ये वाह वाह, कहाँ जा रहे हो बेटा? वाह, ये एक डॉक्टर व्यक्ति ये सब काम भी कर सकते हैं। यस, और एक ये है, ये जो ले जाने निकले थे घर से, देखो झूठी मुस्कान इनके चेहरे पे। ये सब श्रीनगर पहुंच रहे हैं। एक ये देखो इनके चेहरे छुपी हुई भैया। हाँ हाँ, कहाँ जा रहा है? सडन चेंज ऑफ प्लान्स, क्या हुआ? फाइनली श्रीनगर आ गए। ये भैया के ख्वाब, ये भैया 60 पे बुलेट चला रहे थे। हाँ हाँ, ओके ओके, ये भैया को बुलेट के सपनों में खोए। ये मुझे एक ही पैड पे 2 बार चेकिंग करना पड़ रहा है। 2 बार ये वाले बैग पे 2 बार पंचर आ गया। ये 2 बार ये बैग सही है, इनको नींद आ रही है। 2 बार ये देखो, ये एक ये झूठी, ये देखो ये हमारे वाले सारे ही चिल्लते रहते हैं थके हुए। हमको उड़ता हुआ एडवेंचर दिया उन्होंने, उड़ता हुआ हमें उड़ता। अच्छा, हमारी इंडिगो वालों की होगी। ये देखो कैसे थके हुए हैं, इनको इतना सा बैग नहीं उठ रहा पक्का। ये भी हम करें नहीं, सब आप करोगे। अभी सुनो, फ्लाइट यदि उड़ेगी नहीं तो धक्का भी आप मारोगे। आप समझो, आप शाहरुख खान हो,
वैल्यू समझो, संगति गलत है। कूपन कोड मत लगा, अब देख ले ये टाइम आ गया, और कूपन कोड लगा ले। कूपन कोड नहीं लगाता ना, नहीं अपनी है रख लो, सब सब अपनी है। मानसी इससे निकाल दी, हाँ बस अपन दो बार फ्लैग कर रहे हैं। हाँ अच्छा, गाड़ी बुक किया, रूम जाना है, गाड़ी वहाँ बुक करो, रूम चलना है वापस। हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ एयरपोर्ट में रुकने के बाद रिच लाइफ जा रही है। ये रही हमारी टिकट, पहले ये नहीं मिली थी तो हम गए नहीं, पूरी रात एयरपोर्ट पे स्टे किया इंडिगो की सड़ी सर्विस के कारण। अब किसी तरह हम बोर्ड कर रहे हैं, अभी भी भक्कम लाइन है। जाना लद्दाख था, जा श्रीनगर रहे हैं, देखो आगे क्या होता है। पूरा अनप्लान ट्रिप है, प्लान था अब अनप्लान हो गया, फ्लाइट वेदर के कारण ख़त्म हो गई हमारी। लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। रिच लाइफ, बिना सोए आपको कैसा लग रहा है? मैं तो सोई थोड़ी। फाइनली किसी तरह बोर्डिंग तो भी है, वो हमारा यह काफ़ खड़ा से सुबह इंदौर। मेरे को डर लग रहा है। अपन लोग इस जर्नी पे नए नए हैं, इसलिए अपन सारे एपिसोड्स की वीडियो एंड करना भूल गए हैं, इसलिए रूम पे आके एंड कर रहे हैं। तो बस यही बोलना था, जिसको वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करे, जिसको बहुत अच्छी लगे वो सब्सक्राइब करे, जिसको बहुत अच्छी लगे वो शेयर करे, जिसको बहुत 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 अच्छी लगे वो सब्सक्राइब करे, कमेंट करो, और नीचे घंटी दिख रही होगी उसको भर भर के दबाओ, जिससे आने वाली वीडियोस के आपको अपडेट सबसे पहले अपडेट्स मिलते रहे। और भाई हम लोग एक दिन की जो मतलब एपिसोड रहेगा उसको दो पार्ट में डालें, मतलब डे वन का एपिसोड वन एंड एपिसोड टू, ऐसे करके सारे पार्ट्स आते रहेंगे।